हेलो गाइज, वेलकम टू दिस वीडियो। गाइज, अगर आप कोई भी स्मार्टफोन परचेज करना चाहते हैं और आपका बजट 12,000 रुपये है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टॉप 3 बेस्ट स्मार्टफोन के बारे में जिसका प्राइस 12,000 या 12,000 से थोड़ा सा कम है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइज, 3rd नंबर का स्मार्टफोन है मोटोरोला G9। अगर आप कोई भी नॉन चाइनीज स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट होने वाला है। इसके स्पेक्स की बात करें तो इसमें आपको 6.5 इंच का HD+ डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो कि वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आने वाला है। इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि एक पावरफुल प्रोसेसर है, और इसमें आपको 4GB 64GB का रैम देखने को मिलेगा। गाइज, अगर इसके कैमरा की बात करें तो इसके रियर साइड में आपको 3rd कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा जिसका मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का होने वाला है, और इसके साथ इसमें आपको 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिलेगा। इसके फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, और अगर इसके बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 5000mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी जो कि 20W फास्ट चार्जर के साथ आने वाली है, और इसके साथ इसमें आपको टाइप सी पोर्ट भी मिलने वाला है। गाइज, अगर इसके प्राइस की बात करें तो इस स्मार्टफोन का प्राइस 11,500 रुपया होने वाला है। तो गाइज, कुल में आके यह स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा होने वाला है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में नीचे कमेंट्स में कमेंट करके बता सकते हैं। 2nd नंबर स्मार्टफोन की बात करें तो यह स्मार्टफोन रियलमी नार्जो 10 होने वाला है। इसमें आपको 6.5 इंच का HD+ डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो कि वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आने वाला है, और इसमें आपको MediaTek Helio G80 प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है, और इसमें आपको 4GB 128GB का रैम देखने को मिलेगा। इसके कैमरा की बात करें तो इसके रियर साइड में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जिसका प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल का होने वाला है, और इसके साथ इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर लेंस देखने को मिलेगा। गाइस, इसके फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। इसके बैटरी की बात करें तो इसमें भी आपको 5000mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी, लेकिन इसमें आपको 18W का फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा, और इसमें आपको टाइप सी पोर्ट भी मिलने वाला है। और गाइज, इस स्मार्टफोन के प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस 12,000 रुपये होने वाला है। 1st नंबर स्मार्टफोन की बात करें तो यह स्मार्टफोन रेडमी नोट 9 होने वाला है। इसमें आपको 6.53 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिलेगा जिसमें आपको सिंगल पंचोल सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। इसमें आपको MediaTek Helio G85 प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि एक रिसेंट और पावरफुल प्रोसेसर है, और इसके साथ इसमें आपको 4GB 64GB का रैम वेरिएंट देखने को मिलेगा। गाइज, अगर इसके कैमरा सेटअप की बात करें तो इसके रियर साइड में क्वाड कैमरा सेटअप होने वाला है जिसका मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का होने वाला है। इसके अलावा इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर लेंस होने वाला है, और इसके फ्रंट में 13 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा होने वाला है। गाइज, अगर इसके बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 5020mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी जो कि 22.5W फास्ट चार्जर के साथ आने वाली है जिससे कि आप अपने बैटरी को बहुत ही जल्द चार्ज कर पाएंगे, और इसके साथ इसमें आपको टाइप सी पोर्ट भी देखने को मिलेगा। गाइज, इस स्मार्टफोन का प्राइस भी 12,000 रुपया है, तो तीनों स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा होने वाला है। आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो गाइज, आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा ही इंटरेस्टेड वीडियो बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।